नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो का भी हमारा एक मेन मोटिव जो है वो यही है, इस वीडियो को खास बनाना, क्योंकि हमारे पास जो एक और नया अपडेट आया है वो कि जो आया है आपके IDBI बैंक की तरफ से। IDBI बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है आपके जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर, जो कि 600 लोगों के लिए रखा गया है। मतलब कि 600 ऐसे लोग होंगे जिनको ये जॉब, ये वैकेंसी निकाली जो गई है, ये उन लोगों को जॉब दी जाएगी। तो उसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कैंडिडेट्स को पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये गवर्नमेंट जॉब है। मतलब ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि एक सरकारी बैंक है जो कि IDBI बैंक है। इसका फुल नेम IDBI, फुल फॉर्म होगी जो भी इसकी, उस हिसाब से ये आपके शॉर्ट फॉर्म में IDBI बैंक है। और ये एक गवर्नमेंट बैंक है पूरे इंडिया कंट्री के अंदर। तो इंडिया के अंदर इसमें जो है वैकेंसी निकाली गई, यानी कि पूरे कंट्री लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर इसमें रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जो भी एलिजिबल होंगे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप ये समझिए कि आईडीबीआई बैंक ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाला जो कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए निकाला है, और कहा है कि 600 ऐसे लोग हमें चाहिए जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, अपने फॉर्म भर दें। तो 600 तो लोग चाहिए, अप्लाई फॉर्म आप जितने मर्जी करिए। तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या कोई एग्ज़ाम लेकर यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी आपकी। और साथ ही हम इसमें ये भी जानने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका सिलेबस, पैटर्न और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दूसरा इसमें एक और आपका ये है कि फ़ीस क्या होगी फॉर्म की, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन में, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होंगे, रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैटेगरी को जो रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं उन लोगों को क्या रिजर्वेशन मिलेगा, खासकर फॉर्म के फीस में या फिर आगे चल के काम के साथ साथ कोई फीस, कोई फायदा मिलेगा क्या, और सैलरी क्या होगी, और एक एक चीज, मतलब कि इस जॉब के बारे में फॉर्म से लेके पूरा का पूरा आपके जॉब मिलने तक का प्रोसेस डिस्कस करा जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि IDBI बैंक जो है, एक गवर्नमेंट बैंक जो मैंने आपको क्लियर करा, इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको भी अपने स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें आपको यहाँ पर जो मैंने अभी डार्क करा है, ये जो आपका अंडरलाइन करा है, इसके यही आपका मेन लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, साथ में आपके इस फॉर्म का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक, और आपका जो भी इस वीडियो में जो भी इस जॉब से रिलेटेड कंटेंट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ और उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले ये आपका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में ये बोला गया कि एडमिशंस टू IDBI PGDBF 2023-24, मतलब लास्ट डेट हम आप देखेंगे तो 30th of September, यानी कि आपका 30 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 30 सितंबर तक जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो वो अपना फॉर्म जो है वो यहाँ पर भर सकते हैं, यानी कि लास्ट डे ऑफ द सितंबर मंथ में आप तब तक जो है फॉर्म भर पाएंगे। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे बोला गया कि आप फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन जरूर रीड करें फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तो हम उसको रीड करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि IDBI बैंक हैज़ अ टाई अप विद मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि MGES के साथ उन्होंने जो है आप टाई अप कर लिया है IDBI बैंक ने, जो कि आपका बेंगलुरु में है, एंड नीट एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इनके साथ भी करा है, NEIPL जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है बैंकिंग के अंदर एंड फाइनेंस के लिए टू प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू ज्वाइन IDBI बैंक। IDBI बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म यंग, जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हो जो यंग हो, मतलब कि इस एज वाइज जो आ रहे हो, जो भी यहाँ पे एज का आपका लेवल दिया गया होगा, लिमिट दी गई होगी, और डायनामिक ग्रेजुएट्स हों फॉर फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी कि PGDBF, इसी को बोल रहे हैं हम, कि मतलब यहाँ पे बोला गया है कि इनवाइट करे गए फॉर्म जो कि यंग और डायनामिक ग्रेजुएट्स हों फॉर एक साल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, और कंप्राइजिंग ऑफ 6 मंथ्स ऑफ क्लासरूम स्टडीज एट द रिस्पेक्टिव कैंपस, और 2 महीने की इंटर्नशिप, और 4 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि OJT एट IDBI बैंक्स ब्रांच ऑफिस एंड सेंटर्स। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया जो भी लोग ग्रेजुएट्स हो तो वो यहाँ पर करेंगे अप्लाई, वो किसके लिए, एक साल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के तौर पर आप जो है बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर करेंगे, जिसमें आपके 6 महीने जो होंगे वो क्लासरूम स्टडीज रहेगी आपकी रिस्पेक्टिव कैंपस के अंदर, और 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी, यानी 8 महीने ये हो, 8 मंथ्स ये हो गए, 4 मंथ्स जो आपके रह गए वो आपके रहेंगे ऑन जॉब की ट्रेनिंग के लिए। तो ये सारा कुछ आई डी
SBI अपने अपने बैंक के अलग अलग ब्रांच में कराने वाला है पूरे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। तो आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ये सक्सेसफुल कोर्स का कंप्लीशन हो जाएगा, द कैंडिडेट विल बी अवार्डेड उसको जो है PGDBF डिप्लोमा एंड इंडक्टेड इनटू, और उसको जो है इनटू IDBI बैंक एज जू, तो उसको फिर इंडक्ट कर लिया जाएगा जूनियर असिस्टेंट ग्रेड, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के लिए, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्टेटेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी जो भी हैं बिजनेस एक्सीजेंसीज और बैंक्स डिस्क्रिशन, IDBI बैंक ऑन बेस्ट एफोर्ट बेसिस शैल इंडक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम वेस्ट एंड साउथ जोन फ्रॉम मणिपाल, मतलब मणिपाल बेंगलुरु में जो मणिपाल करके जो एक अथॉरिटी है जिसके साथ टाइप करा है यहाँ पर IDBI बैंक ने, तो उसमें आपका जो है वेस्ट और साउथ जोन जो भी आपके रहेंगे बेंगलुरु के अंदर, एंड इंडक्ट कैंडिडेट फ्रॉम ईस्ट एंड नॉर्थ जोन से भी, और जो कि ग्रेटर नोएडा साइड से, द करंट टैगिंग ऑफ स्टेट्स द जोनल ऑफिस ऑफ द बैंक इज एज अंडर, मतलब कुल मिला के बात ये कही जा रही है कि आपको यहाँ पे एक साल का जो है काम करना होगा विद ऑन द सैलरी बेसिस, आप यहाँ पे जो है 2 महीने का उसमें इंटर्नशिप और 4 महीने जॉब की ट्रेनिंग जैसा कुछ, और 6 महीने आपका जो है क्लासरूम स्टडीज ये सब होंगे, पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा इस सब चीज़ों के बारे में, इसमें काम क्या होगा जो भी फील्ड है यहाँ पे जो कि आपकी JAM है, तो JAM फील्ड से रिलेटेड फिर आपको JAM की पोस्ट मिल जाएगी एक साल बाद। अब साउथ एंड वेस्ट जोन की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी जोन ऐसी हैं जो साउथ और वेस्ट जोन में आ रही हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो ईस्ट एंड नॉर्थ जोन में आ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं जैसा कि यहाँ लिखा है कि जैसे कि अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, ये सारी जो है आपकी स्टेट किस किस में आती हैं, जैसे कि गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, भोपाल मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु जो है केरला और कर्नाटका के आसपास वहाँ पर, और फिर चेन्नई, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार, हैदराबाद, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, मुंबई जो है महाराष्ट्र, मुंबई, थाने, नासिक, तो ये सारी जगह आपकी साउथ एंड वेस्ट जोन में आएंगी, तो यहाँ पे आपको मिल सकती है ये जॉब, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये वाली जगहें रहेंगी आपके साथ में। यहाँ पर जोन और नॉर्थ और ईस्ट जोन आपकी हैं वो ये हैं कि दिल्ली एंड दिल्ली NCR, राजस्थान जो है वो दिल्ली जोन के लिए, और कोलकाता जोन के लिए वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और उत्तर प्रदेश जो कि एक्सक्लूडिंग NCR को, क्योंकि NCR आपका दिल्ली में ले लिया गया है, एंड उत्तराखंड, और मतलब UP का NCR जो भी रहेगा उसको छोड़कर पूरा UP और उत्तराखंड ये सारा आपका लखनऊ जोन के हिसाब से रहेगा। तो कैंडिडेट प्लीज़ नोट द फॉलोइंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग, अप्लाई करने से पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए आप क्या है। क्राइटेरिया यही है कि यहाँ पर एडमिशन जो है, रिक्रूटमेंट इज बीइंग कैरिड आउट फॉर एडमिशन इन, एडमिशन होगा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड बेंगलुरु एंड नीति एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और ग्रेटर नोएडा की जगह पर, द अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स इन IDBI बैंक एज, वही सेम जो बात मैंने आपको पहले बताई वही सब लिखा हुआ है। अब वैकेंसी आपको बताया, तो वैकेंसी कैसे हैं, जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए सबसे पहले, और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ एज, और फिर डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट कब इसका एग्जाम होगा। वैकेंसी 600 हैं, देखिए 600 वैकेंसी टोटल है पूरे कंट्री में, और उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ग्रेजुएशन इन किसी भी कोर्स में आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, डिग्री कर ली है, चाहे बैचलर का स्पेशली, तो वो आपका किसी भी फील्ड से हो सकता है, BTech, BCA, BCom, BA, BSc कुछ भी हो सकता है वो। और यहाँ पर आपकी 31 अगस्त 2023 को जिस भी कैंडिडेट की मिनिमम एज जो है वो 20 हो गई है और मैक्सिमम जो है वो 25 हो गई है और इसके बीच में कहीं है तो वो अप्लाई कर सकता है, और एग्ज़ाम आपका 20 अक्टूबर को होगा ये बताया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको बता दी, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ से, और डिसेबल के लिए भी वैसे वैकेंसियाँ हैं जो कि डिसेबिलिटी में आते हैं तो उनके लिए वैकेंसियाँ यहाँ पे होंगी। अब रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए एज के अंदर, तो वो गवर्नमेंट्स के रूल के हिसाब से आपको मिलेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है। ब्रॉड टाइमलाइन यही है कि एक्टिविटी जैसे कि कट ऑफ डेट जो है आपकी फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन के लिए मैंने डेट बता दी, इस डेट के हिसाब से आपकी एज डिसाइड होगी, क्वालिफिकेशन डिसाइड होगी, यानी अगर आपके डिग्री और ये सब आपके मार्कशीट अभी तक आपको मिल चुके हैं 31 अगस्त 2023 में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अभी नहीं मिले तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा मैंने इसमें डेट बता दी कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम की डेट भी मैंने यहाँ पे क्लियर करी है। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पर रहेगा आपका वो यहाँ पर एक तो ये है, एप्लीकेंट मस्ट बी एदर इंडिया का सिटीजन हो सकता है, वो हो सकता है कि भाई नहीं इंडिया का नहीं है, वो नेपाल का है, भूटान जैसी जगह का है, तिब्बतन रेफ्यूजी हु कम ओवर इंडिया, जो लोग इंडिया में आ गए हैं परमानेंटली बस गए हैं, जो लेकिन वो 1 जनवरी 1962
या उससे पहले आए हैं तो ये इंटेंशन से कि वो परमानेंटली रहेंगे इंडिया में ही, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग भी जो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और जाम्बिया, मलवाई और जेर, एथियोपिया और वियतनाम जैसी जगह से भी अगर कोई कैंडिडेट्स आए हैं इंडिया में, लोग आ गए हैं, उन्हें मैं कैंडिडेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्म भरेंगे, तो वो लोग भर सकते हैं अगर वो लोग परमानेंटली सेटल हुए हैं इंडिया के अंदर। तो ये सारे देख लीजिए, इतने देशों के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर यही रहेगी कि कैंडिडेट जो है ग्रेजुएट हो किसी भी डिग्री में वो मान्य रहेगा, लेकिन रिकोगनाइज बाय, जो कि रिकोगनाइज हो इंडिया के गवर्नमेंट के हिसाब से, और पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर। अगर किसी ने सिर्फ डिप्लोमा कोर्स पास किया है तो वो यहाँ पे माना नहीं जाएगा एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अगर डिप्लोमा के साथ साथ उसने ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो मान लिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर कंप्यूटर आता हो, प्रोफेशनल लेवल का आना आता हो उसको चलाना, और प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज क्या होती है, रीजनल लैंग्वेज मैं आपको बता दूं, मेनली तो देखिए जैसे कि नेशनल लैंग्वेज तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को, जैसे मतलब हम हिंदी इंग्लिश कॉमनली जानते हैं पूरे इंडिया कंट्री में, लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज क्या होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है जिस रीजन में आपको वहाँ पर जॉब करनी पड़े। सपोज मान लीजिए आपकी किसी जिस जगह पर वैकेंसी लगी उसकी, वहाँ पर जो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज हो तो वो उस वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये आपको बोली जा रही है इस बैंक के लिए। और बाकी सारे कुछ लिखा हुआ है कि राइट है IDBI बैंक के पास कि वो अगर कुछ भी चेंज चाहे तो अपनी तरफ से कर सकता है, अगर क्वालिफिकेशन में करना हो या फिर नोटिफिकेशन कैंसिल तक करना हो तो वो भी वो कर सकता है, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से वो कर सकते हैं अगर उसमें उनको कुछ लगे एक समय पे तो वो अपने हिसाब से कर सकेंगे। अब मिनिमम एज तो यहाँ पे देखिए 20 ईयर्स मैक्सिमम मिनिमम है और 25 साल मैक्सिमम है जैसा कि बताया था मैंने आपको। अब इस एज में आपको डेट भी दे दी गई है, इस डेट के बीच वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। डेट से क्लियर हो जाता है हमें कि भाई ये डेट जो जो हमारे को एज बताई गई है कब से कब कौन से ईयर के बीच में आ रही होगी, तो वो आपको इस तरीके से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट स्केड्यूल कास्ट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब वो 30 साल की उम्र तक फॉर्म भरेंगे, और OBC वाले 3 साल और एक्स्ट्रा यानी कि 28 साल तक, और इस तरीके से डिसेबल को 10 साल का मिलता ही है, और इस तरीके से आपके ये रिलैक्सेशन हो जाएंगे एज में। नेक्स्ट नोट में आप पढ़ सकते हैं कुछ नोट में इंपॉर्टेंट आपको लगे। नॉन रिफंड, अब यहाँ पे जो आप फीस पे करेंगे वो बता देता हूँ कितनी होगी, और वो आपको रिफंड नहीं होगी, मतलब आप यहाँ पर फीस जो पे कर लेंगे वो वापस नहीं होगी आपको। और ₹200 आपको SC ST या किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से फीस होगी फॉर्म की, ₹1000 आपकी अगर आप एक ओपन कैटेगरी या फिर एक जनरल EWS जैसी कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप उसमें ₹1000 पे करेंगे फॉर्म के। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं इसमें आगे चलूँगा, तो हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता देता हूँ। IDBI बैंक की मैं ऑफिशियल वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप पहले तो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके IDBI के बैंक की साइट पे आएंगे, वहाँ से आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए मैं आपको जैसे लेके चलता हूँ, जैसे ये है, यहाँ पर आप इधर आके रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को, जहाँ पर आपको यहाँ पर अपना email ID, मोबाइल नंबर जैसी चीज़ें और कुछ जेंडर, अपना नाम और फादर नेम और कुछ पर्सनल कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डाल के आप लॉगिन कर लेते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उसके बाद अपनी जो अपनी आईडी मिलती है आपको, user ID जिसे हम कहते हैं वो, और उसका पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं वो यहाँ डालकर, फिर आप लॉगिन होते हैं और फिर अपना फॉर्म भरने जाते हैं। तो ये जो है आपको मैंने बताया, ये तो इस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, और सारा कुछ ऑनलाइन होगा, ये बात आप आपके लिए यहाँ पर लिख दी गई है, और वही पूरा प्रोसेस देख लीजिए आप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि एज के लिए आप 10th या 12th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं फॉर्म में, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यही रहेगा कि हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट जैसी, जैसे कि मान लीजिए मार्कशीट जो है वो लगाई जाएंगी ग्रेजुएशन की, हर सेमेस्टर की और ईयर वाइज आप मार्कशीट लगाएंगे फॉर्म में, ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंट्स में आप कास्ट का सर्टिफिकेट लगाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस लगा सकते हैं अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस हो, पहले कभी काम किया हो, और फोटो आइडेंटिटी के लिए कोई भी दो फोटो आइडेंटिटी हो सकती हैं, वो एक आपकी पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके आगे सिलेक्शन प्रोसेस यही है, यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उसके बाद फॉलोड बाय, मतलब उसके सही बाद पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, और जो भी क्वालिफाइड करेंगे एग्ज़ाम में उनका ही इंटरव्यू लिया जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव नेचर में एग्ज़ाम होगा। नेम ऑफ द टेस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके 4 सेक्शन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी और
बैंकिंग अवेयरनेस, ये चारों होंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं इसमें 60 हैं और बाकी 40 40 60, और यही आपके सेम मैक्सिमम मार्क्स भी 40 और 60 40 40 60। तो ये आपको एक और यहाँ पे कंपोजिट टाइम 2 घंटे के समय में सारा कुछ आपको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आया था कि एप्लीकेंट विल बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट, उसको ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। और यहाँ पर यह बोला गया है कि पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए, अगर आपको एक जैसे हर क्वेश्चन जो आपको बताया गया है वो हर क्वेश्चन जो है वो एक एक मार्क का होगा पेपर में। अब उस एक मार्क में से अगर आपके उस एक मार्क में से 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, जो कि 1 मार्क का 4% 1/4 होगा यानी 25% होगा, तो वो होगा 0.25, इतना मार्क्स काटा जाएगा हर गलत आंसर पर, वो भी सही आंसरों में से मार्क्स काट लिया जाएगा। तो आप कोई भी आंसर गलत ना करें, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मतलब कि आपका एक कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। और फिर इस एग्ज़ाम के बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू आप जानते हैं जॉब के लिए होते हैं वो होगा, और इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी जगहें हैं कुछ, देखिए सब्जेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी टू मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट ऑनलाइन टेस्ट वुड बी हेल्ड एट। अब देखिए जो ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम हो रहा है वो पोर्ट ब्लेयर, चिराला, चित्तूर और इलूरु, गुंतूर, कडप्पा और काकीनाडा, कुर्नूल, नेलोर और ऑनगोले और राजामुंद्री और सिरिका कुलम और तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और नाहरलागुन, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, आरा, औरंगाबाद, बिहार, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इन सारी जगहों पर होगा। जैसे कितनी सारी जगह इसमें लिखी गई, सब जगहों पे एग्जाम होगा, ये सारे इंडिया कंट्री में आते हैं, इन सारी जगहों पे एग्जाम लिया जाएगा। ये तो सिटीओ के नाम है, इसके अंदर आपके सेंटर जो होंगे वो आपको अपने एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जिसे हम कहते हैं उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है जैसे कॉल लेटर, तो ये कॉल लेटर मीन्स एडमिट कार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉल लेटर मतलब आपको कोई कॉल कर रहा है। दिस इज नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉल लेटर। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस कॉल लेटर वर्ड मीन्स कि योर एडमिट कार्ड फॉर द एग्जाम, तो ये आपका रहेगा। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। तो एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट, अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम का जो प्रोसेस है पूरा फॉलो करना है। जैसे बोला गया है कि कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड लेके एग्जाम हॉल में जाना है, कैंडिडेट को जो है अपने जो जो चीज़ें बोली गई सिर्फ उतनी ही ले जानी है, कोई जैसे स्मार्ट वॉच हो गया या ई गैजेट्स नहीं ले जाने हैं, एग्ज़ाम के प्रोसेस को फुल फॉलो करना है उसको, और साथ में एग्ज़ाम का सेंटर को बीच में बिना किसी को बताए छोड़ के नहीं जाना है। जैसे बीच में अगर वो गया किसी वॉशरूम के कारण और वो बीच में वहाँ से चला गया, तो ऐसा भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। प्रोग्राम फीस, अब आप देख लीजिए, प्रोग्राम फीस फॉर दिस कोर्स विल बी इस प्लस GST। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। ये तो हमने एक्शन की बात कर ली है, टू बी पेड बाय द स्टूडेंट इन इंस्टॉलमेंट एज पर अ फिक्स स्केड्यूल ड्यूरिंग द वन फर्स्ट ईयर प्रोग्राम, फोकस इंक्लूसिव ऑफ कोर्स फीस, लॉजिंग, बोर्डिंग एंड अदर फीस एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम द अबव कोर्स फीस, द एग्जाम फीस फॉर अंडरगोइंग वेरियस सर्टिफिकेशन एग्जाम एज मैंडेटेड अंडर द कोर्स विल हैव टू बी बॉर्न एडिशनली बाय द कैंडिडेट एज पर द फीस चार्ज बाय रिस्पेक्टिव बॉडी फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर कंडक्टिंग दीज सर्टिफिकेशन एग्जाम्स। तो आपको यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ सबमिट करने को जो बोले जा रहे हैं वो किस चीज़ के लिए हैं, वो फिक्स एक स्केड्यूल जो 1 साल का उसके लिए बोले जा रहे हैं कि आप उस पूरे 1 साल वहाँ रहेंगे, का अपना जो भी आपको बोला गया कि ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है और जो भी कुछ बोला गया वो आप 1 साल कर रहे हैं उसके लिए ये चीज़ आपसे ली जाएगी 3 लाख की, 3 लाख रुपये की। ये इंस्टॉलमेंट या जो भी आप यहाँ पर कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट है आपकी तरफ से जो लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ये जो है डेफिनेटली ये आपको बैक मिलेगा, ये 1 साल के बाद आपको वापस मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि 1 साल के लिए ही ये चीज़ ली जा रही है। सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन फाइनेंस द कोर्स फीस बाय अवेलिंग एजुकेशनल लोन इफ दे सो डिज़ायर विच विल बी ग्रांटेड बाय। देखिए ये लोन से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं, आप जैसे कोई भरना चाह रहा है तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लोन से रिलेटेड कुछ है। अब कैरियर प्रोस्पेक्ट एंड एमोल्यूमेंट्स क्या है, मतलब यही है कि स्टाइपेंड जो रहेगा ट्रेनिंग के दौरान 6 महीने तक वो 5,000-5,000 रुपये आपको पर मंथ मिलते रहेंगे। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जब होगी तब आपको 15,000-15,000 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे, मतलब कि ट्रेनिंग के समय तो 5,000-5,000 शुरू में, फिर आपको 15,000-15,000 रुपये पर मंथ, उसके बाद द बैंक रिजर्व द राइट टू रिकवर द स्टाइपेंड फ्रॉम द कैंडिडेट हु एग्जिस्ट ड्यूरिंग द कोर्स और
एग्जिट, जो जिसने भी एग्जिट एग्जिट ले लिया है, मतलब जिसने भी बीच में कोर्स छोड़ दिया हो, और प्रायर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस कंप्लीशन ऑफ 8 मंथ उसके, एंड सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द विल बी एब्जॉर्ब इन द बैंक एंड शैल बी पोस्टेड एज फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 4 मंथ एट एनी बैंक। अब देखिए यहाँ पे 8 महीने का आपका ट्रेनिंग और इंटर्नशिप होने के बाद किसी भी बैंक की ब्रांच में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और 8 महीने जो आप काम करेंगे वहाँ पे ट्रेनिंग और जो भी लेंगे, तो 15,000 रुपये महीना आपको मिल रहा होगा। अब आफ्टर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग के बाद द बैंक सर्विस एज, अब आप जे एम का सर्विस जब ज्वाइन कर लेंगे एंड सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन, और आपने कंप्लीट कर लिया मान लीजिए ये कोर्स, फिर आपको कंपेंसेशन यानी सी टी सी वुड रेंज बिटवीन, वो आपको 6,14,000 रुपये से लेके 6,50,000 रुपये के बीच में आपको, ये इतने पैसे आपको टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग के समय ही सी टी सी के तौर पर मिलेंगे, ये आपको बोला गया है। जैसे ही आप जैम की पोस्ट पर लगते हैं उस टाइम पर, यानी कि 8 महीने के बाद सही आपको ये चीज़ मिल रही होगी, 8 महीने या फिर 12 महीने के बाद, जैसे ही आपका पूरा जो पीरियड है ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ें खत्म होती हैं उसके सही बाद। अब TAHA लोकल कन्वीनियंस और सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी, विजिटिंग ऑफिसर फैसिलिटी इन लाइन विद फैसिलिटीज लिमिट एप्लीकेबल टू ग्रेड ए ऑफिसर ऑफ द बैंक, ये ए ग्रेड ए के ऑफिसर की जो होती है उस हिसाब से आपको मिल रहा होगा। आप जैसे कि ग्रेड ए को जो मिलती है वो सारी चीज़ें ग्रेड ओ वाले को भी मिलेगी यहाँ पे, मतलब कि जे ए एम के पोस्ट पे। और बाकी अलाउंस और परफॉर्मेंस लिंक्ड लिंक्ड वेरिएबल पे स्टाफ लोन्स पर कुछ साइट्स बेनिफिट्स और बाकी सारी चीज़ें फैसिलिटी जो होती हैं एम्प्लॉय के लिए वो सब मिल जाएंगी। अब टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग की बात कर लेते हैं, तो इनिशियल अपॉइंटमेंट जो होगी इस पोस्ट की वो कहीं भी हो सकती है, और एक और प्रोबेशन के पीरियड पे होगी, 1 साल का प्रोबेशन होता है, मतलब कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो या कोई केस जैसा कुछ ना रहा हो, ऐसी चीज़ें और बाकी सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोबेशन के तौर पर आ जाती हैं, वो चेक करी जाती हैं आपसे आपके बारे में, तो उसके लिए एक समय दिया जाता है किसी भी जॉब में, मेनली बहुत सारी जॉब में ऐसा होता है, तो वो यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये है, द कैंडिडेट विल बी ऑल्सो लाइबल टू बी ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन और आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी आपको भेजा जा सकता है कहा जा रहा है बैंक की तरफ से, टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें रूल्स बनते रहते हैं। द ऑफिसर शैल बी कवर्ड अंडर द IDBI लिमिटेड ऑफिसर कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एंड अपील रूल 2006 के हिसाब से द ऑफिसर शैल बी गवर्न बाय IDBI बैंक्स न्यू पेंशन स्कीम 2011 एज एमेंडेड मॉडिफाइड टाइम टू टाइम, मतलब यही है कहा जाए इंडिया के अंदर ही नहीं इंडिया के बाहर भी पोस्टिंग हो सकती है आपके काम को देखते हुए या किसी काम से। सर्विस बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड आप रीड कर सकते हैं, सर्विस बॉन्ड क्या चीज़ है, सर्विस बॉन्ड आगे के लिए है, जो आप जैसे आप JAM की पोस्ट लेंगे तो उसके बाद के लिए सर्विस है, उससे रिलेटेड बताया गया क्या क्या है। रिजर्वेशन है यहाँ पे, डिसेबल कैंडिडेट्स को स्क्राइब यूज़ करने की अलाउड है, बट वो अपना खुद का अरेंज करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने खुद के कोर्स पर अपना स्क्राइब यानी किसी सेकंड पर्सन को अरेंज कर लें अगर वो डिसेबल हैं एग्ज़ाम लिखने में, तो अरेंज कर लें अपने खुद के पैसों पे, ये बोला गया है। गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइंस है कुछ, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यहाँ पर भी देखिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हो रही है आपकी इस जॉब पर, और ट्रेनिंग किसको मिलेगी, ट्रेनिंग उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगी जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी में है, और वो इसके लिए क्या करेंगे ट्रेनिंग लेने के लिए वो ही मैं आपको बताता हूँ। बैंक के पास राइट है कंडक्ट करने का PET बाय ऑनलाइन मोड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कराने का, इंटरेस्टेड कैंडिडेट एक लिंक दिया जाएगा उससे अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट आर देयर ऑफ देयर फॉर एडवाइस टू चेक देयर रजिस्टर्ड ईमेल एंड फॉर अपडेट्स, तो यहाँ पर रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हैं। अब ये एनेक्सर क्या है, एनेक्सर यही बोला जा रहा है इसके अंदर, मतलब कि आप अगर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे फॉर्म में उसमें अपना फोटो साइन जैसी चीज़ अपलोड करेंगे, और उसका उसका एक साइज़ दिया गया है वो साइज़ रखेंगे और उसका फॉर्मेट रखेंगे जो कि आपका JPG या फिर JPEG जैसे फॉर्मेट टाइप की फाइल रहेगी, एक्सटेंशन रहेगी, डायमेंशन लिखे गए हैं, ये सब है। आपको ये सब नहीं आता है तो आप वीडियो देखें कि कैसे हम एक फॉर्मेट और
किसी डॉक्यूमेंट का चेंज करते हैं या फिर हम किसी का भी साइज कंप्रेस या रिड्यूस कैसे करते हैं किसी फाइल फोटो डॉक्यूमेंट साइन किसी का भी, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट्स में आप 10th 12th के मार्कशीट जो भी मैंने आपको बताया वो सब अपलोड होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, अब मैं आपको दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा इस जॉब्स के लिए, और ये 1 साल का पूरा पीरियड रहेगा, आपको एक जॉब करनी होगी और उसके लिए आपसे पहले ही इंस्टॉलमेंट ले ली जाएगी 3 लाख रुपए की। और साथ में आप ये बात याद रखिएगा कि फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपये रहेगी, और बाकी सब मैंने इस जॉब से रिलेटेड कवर कर दिया है। और रही बात सैलरी की, तो मैंने सैलरी भी बता दी थी कि एक तो शुरू में 15,000 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर, जो कि आपका एक जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे यानी 2 महीने 6 महीने के सही बाद ही, और 6 महीने के ट्रेनिंग के दौरान आपको जो पैसे मिलेंगे वही मैंने आपको बताया, यानी 8 महीने के बाद आपको एक JM की पोस्ट पे लिया जाएगा, और उसके लिए 8 महीने या फिर 12 महीने बाद, तो उसकी पोस्ट पे लेते ही आपकी जो सैलरी होगी वो CTC के तौर पर 6 लाख रुपए करीब आपको मिल जाएगी। CTC मतलब पूरे साल का होता है CTC, ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ये पूरे कंट्री की वैकेंसी है। अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ, देखिए ये है, मैंने इसके बारे में क्लियर कर दिया है कैसे अप्लाई होगा, तो आप इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं अब नए टॉपिक में मिलूँगा, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।